अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जो कि है क्रिएशंस बाय मी। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर ऑलरेडी किया हुआ है तो डू प्रेस द बेल आइकन ताकि जो भी वीडियो है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको दे। अच्छा, आज की वीडियो है किस बारे में, वो है जी अनबॉक्सिंग। किस चीज़ की अनबॉक्सिंग है जी? इस पैकेज की। अच्छा जी, ये पैकेज मैंने कराया था ऑर्डर आज के दिन ही कराया था, सुबह 9-10 बजे करीब वो कराया था, और अभी मुझे ऑर्डर थोड़ी देर पहले रिसीव हुआ है तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। ठीक है, तो लेकिन मैंने पहले सोचा, मैंने कहा लास्ट वीडियो में मैं तैयार नहीं हुई थी, इस बार प्रॉपर तैयार होकर, तैयार क्या होना था, सिर्फ और सिर्फ कपड़े चेंज किए, लिपस्टिक लगाई और हल्का सा ब्लश ऑन लगा के मैं आ गई। मैंने कहा सबसे पहले ये चीज़ें आप लोग से शेयर की जाएँ। अच्छा, मैंने कुछ करवाया था ऑर्डर, क्राफ्टिंग का सामान था। ठीक है, अब जिस बंदे को आर्ट्स का शौक हो और उसके लिए फिर ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, तो मैं उसकी एक्साइटमेंट का आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई ऑनलाइन ऑर्डर करवाते हैं जिनको सूट का शौक होता है या किसी तरह का, और या ज्वेलरी का कई लोगों को शौक होता है, तो जब वो ऑर्डर आता है तो उसकी खुशी आपको पता होती है। लोग ना, जब भी मुझे ना दरवाज़ा नॉक होता है, फिर जब भी मैंने कोई ऑनलाइन चीज़ ऑर्डर करवाई होती है ना, फिर जब भी डोर नॉक होता है तो मुझे होता है कि शायद वो ऑर्डर आ गया, तो मैं भागी भागी जाती हूँ। ठीक है, और जब नहीं आता तो मुझे बड़ा दुख होता है कि क्या यार, ठीक है, इतना वेट भी कर रहे हैं और ऑर्डर नहीं आता। ठीक है, लेकिन आज इस ऑर्डर ने मुझे इतना ज़्यादा वेट नहीं कराया, हार्डली 3 से 4 घंटे के दरमियान ये मुझे ऑर्डर रिसीव हो गया। तो चलते हैं, करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और फिर देखते हैं कि मैंने कराया क्या ऑर्डर। ठीक है, तो चलते हैं डिटेल वीडियो की तरफ। जी ये रहा पैकेज। ठीक है, पैकेज मैंने कराया था ये ऑर्डर आर्ट एंड क्राफ्ट से। आर्ट एंड क्राफ्ट लोकल शॉप ही है, आपको लाहौर में आपको मिल जाएगी, और अगर आपने इसका फेसबुक लिंक भी उसका डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने भी कुछ ऑर्डर करवाना हो तो क्राफ्ट से, क्राफ्टिंग का काफ़ी सामान है और बहुत अफोर्डेबल रेंज में है। ठीक है, जिनको तो क्राफ्टिंग का शौक है, डो वर्क का शौक है, उसके लिए ये शॉप बेस्ट है। पैकेजिंग है कुछ इसकी ऐसी, 1-2 चारों कॉर्नर से तकरीबन डैमेज है, कोई नहीं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब करते हैं इसको कट। तो सबसे पहली जो मैंने चीज़ ऑर्डर करवाई थी वो था ये पेपर डिज़ाइन था। ठीक है, जिसमें डिफरेंट तरह के कार्डबोर्ड थे, कार्डबोर्ड होंगे या कार्ड पेपर होंगे। ठीक है, इसमें थे ये कुछ इस तरह के, जिस तरह के डिज़ाइन डिस्प्ले पे हैं, इस तरह के ही पेजेस हैं, और इनके आई थिंक 7x7 इनका साइज़ है, और ये हैं 36 पैटर्न पेजेस हैं। ठीक है, जिसमें कुछ शीट्स भी हैं, तो मैं आपको एक निकाल के दिखा देती हूँ अगर तो मुझसे निकल आई तो, लेकिन आई थिंक ये पैक हैं। अच्छा ठीक है, सॉरी मुझे भी नहीं आइडिया था, ऑलरेडी वहाँ से अटैच है। तो जी ये हैं कुछ ऐसे, बहुत ज़बरदस्त, मतलब कि क्या, मतलब कि ये देखें, इसके अंदर कटिंग डाइस भी हैं, आप इनको एज अ स्टिकर यूज़ कर सकते हैं। मतलब ठीक है, मैं ना अब ऐसे ऐसा मैं सोच रही हूँ इनकी कलेक्शन करूँ, फिर मैं आपको इंशाल्लाह इसकी कलेक्शन की भी वीडियो बनाऊँगी एक, लेकिन अभी ऐसे ऐसा स्टार्ट की है। ठीक है, तो अल्लाह ताला तौफीक दे तो ज़रूर बनाएंगे भाई। अच्छा जी, ये होगी पहली चीज़ जो मैंने कराई थी पेपर डिज़ाइनिंग। जब मैंने ऑर्डर करवाया था मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि इसमें ये चीज़ें होंगी, मुझे था कि एक नॉर्मल, मतलब जैसे पेपर कार्डबोर्ड फॉर्म में होते हैं उस तरह के होंगे, और उस मुझे ये था एक्चुअली जो मैंने चीज़ ऑर्डर करवाई थी मुझे ये था इस तरह का होगा, जिसमें इन्होंने पेपर पैड्स हैं, जिसमें कार्ड मेकिंग के प्रोजेक्ट्स हैं स्क्रैप बुक के लिए, क्योंकि मुझे बेसिक स्क्रैप बुक के लिए काम करना था। तो इसमें है कुछ ऐसे डिज़ाइन जो डिस्प्ले पे हैं, 1, 2, 3 आई थिंक 12 हैं इसके, हाँ 12 डिज़ाइन हैं, हर तरह के 2 पेजेस होंगे, तो ये आई थिंक मुझे ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल पेजेस हैं और आपको डिज़ाइन बाहर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ ऑर्डर करवाई थी, सबसे मेजर चीज़ ये है, इसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। ठीक है, चलो ये बाद में खोलते हैं। इसके बाद मैंने कुछ ये ऑर्डर करवाए थे, मुझे स्क्रैप बुक के अंदर आर्ट्स का काम करना था तो मुझे ये रिक्वायरमेंट थी, और ये हैं कुछ ऐसे पेपर, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त पेपर है। ठीक हो गया, मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं कर रही थी, ये शॉप बहुत अच्छी है। मैं यहाँ से तकरीबन इसकी मुझे शॉपिंग करते हुए 4 से 5 साल हो गए हैं, मैं जब भी लेती हूँ यहाँ से मैं अपना सामान ऑर्डर करवाती हूँ। अच्छा, ये है अगली स्क्रैप बुक किट थी पूरी, जिसमें कुछ इन्होंने स्टिकर्स ऐड किए हुए हैं और कुछ क्या है ये मुझे भी नहीं पता, चलें बाकी खोल के देखते हैं। और ये है कुछ प्लास्टिक पैकेजिंग इसकी हुई हुई है, इसमें जैसे मेरे ख्याल स्क्रैप बुक रेडी करके आप इसमें रख सकते हो। ठीक है जी, ये है पूरी किट, किट में क्या क्या इंक्लूड है, किट में इंक्लूड है जी ये कुछ स्टिकर्स हैं, ठीक है 3D स्टिकर्स हैं, और ये भी स्टिकर्स हैं, लेकिन 3D नहीं है ये सिंपल। अच्छा, ये क्लिप भी लगा हुआ है, ये कुछ स्टिकर्स हैं इसमें, बहुत ज़बरदस्त थीम के मुताबिक स्टिकर्स हैं। अच्छा, अभी नहीं यूज़ करें, इसकी मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम इसको यूज़ करके एक स्क्रैप बुक बनाएंगे।
ठीक हो गया, ये हो गई दो चीज़ें। उसके बाद स्क्रैप बुक है जी कुछ ऐसी, वाओ सो अमेजिंग। मतलब मैंने इससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ निकलेगा। अच्छा जी, यहाँ पे ये है कि आप बेबी की पिक्चर बेबी की पिक्चर आप पुट कर सकते हो, ठीक है। ये आप रिमूव करके इसके अंदर से बेबी की पिक्चर पोस्ट कर सकते हो, ठीक। और ये हैं अंदर पेजेस, अगर आपने इसके अंदर फर्दर पुट करनी हो चीज़ें। अब ये पेजेस जो आपने अंदर लगाने हैं उसके लिए इन्होंने ये सेंड किए हुए पेजेस जो आपने अंदर लगाने, जैसे ये सपोज करें ये कार्ड है, इसको मैं इस तरह लगा दूँगी इसके ऊपर। अब मेरी ये मेरी क्रिएटिविटी है कि मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ, तो करेंगे इंशाल्लाह इस पर काम एक प्रॉपर, ठीक है। और क्वालिटी वाइज ये बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। क्वालिटी पे वाकई कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ इन्होंने, तो वापस आप इसको करते हैं पैक, ठीक है। और मज़े की बात बताऊँ आपको, ये स्क्रैप बुक, ठीक है, ये 1000 की रेंज में पूरी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जिसमें स्क्रैप बुक की कवरिंग, इसके अंदर स्टिकर्स थे कुछ, और आपको साथ पेजेस, ठीक है। बाकी आपकी जो सारी इन्वेस्टमेंट होगी बहुत भी होगी, ये देखें उसके ऊपर जो पैकिंग है, ये सारा कुछ मिला के ये किट सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ में थी, ठीक है। उसके अलावा इनकी प्राइस 10 रुपये का, आई थिंक 10 रुपीज़ का ईच था ये, हाँ ये 10 रुपीज़ का ईच था, और मैंने 10 पीसेज ऑर्डर करवाए थे, और ये मुझे पड़ी है आई थिंक 850 या 550, और ये भी मुझे तकरीबन इसी रेंज में पड़ी है। तो टोटल ऑर्डर जो तकरीबन मेरा था डिलीवरी चार्जेस डाल के 2400 का बना था, ठीक है। लेकिन उनकी 2400 इन्वेस्ट करके मुझे जो क्वालिटी अंदर मिली है बहुत ज़बरदस्त है। तो इंशाल्लाह अब जो अगली वीडियोस होंगी उन इनमें से किसी एक प्रोजेक्ट पे होगी। तो ये थी वीडियो, लो जी। अच्छा जी, तो ये थी ओवरऑल वीडियो, जो मैंने चीज़ें ऑर्डर करवाई थी। मैंने कुछ करनी थी स्क्रैप बुक पर वर्किंग, इसलिए मुझे प्रिंटेड पेजेस ऑर्डर करवाने थे, और बाकी एक दो चीज़ें ऑर्डर करवानी थी, लेकिन वो उनके पास आउट ऑफ स्टॉक थी। जब वो आएंगी तो इंशाल्लाह उस पर भी एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाएगी कि मैंने वो क्या चीज़ें ऑर्डर करवानी थी। तो अब इंशाल्लाह आप कुछ नेक्स्ट वीडियोस में देखोगे कि मैं यही चीज़ें कैसे यूज़ करूँगी, और बहुत एक्साइटेड वीडियोज़ आने लगी हैं। यकीन माने आप सब्सक्राइब करें चैनल, आप कभी बोर नहीं होंगे, मैं इस बात की गारंटी देती हूँ। और तो बस यही थी सारी चीज़ें। अब आपको अगर ये चीज़ें पसंद आई हों, और अगर आप चाहते हैं मैं फर्दर इस तरह की चीज़ें बनाऊं या ऑर्डर करवाऊं, तो आपको करना क्या है, आपको करना है लाइक शेयर कमेंट, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।